ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप लोग बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। एंड सब लोग बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा, नो मैम, नो अभी मैम, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अभी शेयर किया है, शायद अभी दिखे। अभी बताइए, यस यस मैम, ओके यस। स्टूडेंट, क्यों यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। एंड आपको पता है हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है यहाँ पे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। आज उसका थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है स्टूडेंट। तो आज बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ये मेथड आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे नाम आप बोलेंगे कि मैम ये क्या नाम बताया आपने, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। स्टूडेंट हम ये मेथड हमेशा यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं इसका नाम ये है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर का, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आपके पास दी हुई है दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, ठीक है, दो अननोन है जहाँ पे आपका, तो उनको सोल्व कैसे करेंगे और मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन करने का, लेकिन पहला हम आज के लेक्चर में ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एवरीवन समझ यस गया? मैम, ओके यस स्टूडेंट, मैम, ये क्लास का टॉपिक है सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ये होता क्या है वो अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार बताइए। यस मैम, ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, ओके, शायद हो सकता है गलती से हैंड रेज हो गया हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखोगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लास अटेंड करके आप यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना सीख जाओगे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड इसको हम बोलते हैं, और ये होता क्या है वो भी डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम, ओके, ठीक यस। है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो पहले तो कि अगर आपके पास दो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दो वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। कितने बच्चों को याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था, मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ स्टूडेंट। अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा इक्वेशन है, ठीक है, तो जो वेरिएबल या जो अननोन आपको दिख रहा है इक्वेशन में, उनकी सेम वैल्यू बेसिकली आपको गिवन इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन सबको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, जितने भी गिवन इक्वेशन है वो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम, ठीक यस मैम, है, यस तो मैम, आपका जो अननोन है या जो वेरिएबल की सेम वैल्यू आपका, जितनी भी इक्वेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, उसको सबको सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है तो उनको सोल्व कैसे करते हैं, मतलब उनका कॉमन सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। समझ में आया यहाँ पे, मतलब जो अननोन दिया हुआ है उनका वैल्यू कैसे निकालेंगे जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं इन जनरल में, फिर हम स्पेशली मेथड वन की बात करेंगे। जो हम बात कर रहे थे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, वो होता क्या है उसकी बात करेंगे। तो जब आपके पास स्टूडेंट दो इक्वेशन दी रहती है दो वेरिएबल में, आप बोल दीजिए दो अननोन है, जैसे एक्स और वाई बोल दीजिए, ए बी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, जब आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दो अननोन में या दो वेरिएबल में, तो स्टूडेंट उसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड मैंने मेंशन किए, चार मेथड का नाम लिखा है। पहला है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक है, जो आज हम करेंगे। दूसरा मेथड यहाँ पे मेंशन है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड है थर्ड मेथड, उसमें बोला है एडिंग द टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, तो इस पे भी हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इस मेथड से। एवरीवन समझ में आया स्टूडेंट? अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल है, ठीक है, तो वो इक्वेशन का अगर आपको बोलेंगे दो इक्वेशन दी है कि इनका कॉमन सोल्यूशन निकालिए, तो उसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। पहला जैसे मैंने बताया यहाँ पे
एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड है, दूसरे मेथड को हम यहाँ पे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तीसरे मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो दो इक्वेशन दी रहती है उनको ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक इक्वेशन को दूसरे में से, ये मेथड पे भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी लास्ट जो मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, तो हम क्या करते हैं जो इक्वेशन दी रहती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक मेथड है। समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। पहले वाले मेथड की बात करेंगे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल में, तो हमें क्या है सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे जो इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चार मेथड हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर में। तो यहाँ पे पहला आज जो मेथड है उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ये मेथड होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। थियरी कुछ नहीं लिखी है, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबको दिख रहा है ना हेडिंग एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे करते क्या है, जो भी एक पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दिख रही है और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, अननोन कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है सबको? वेरी गुड। यस मैम। तो ये मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन में, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है मतलब दो वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट यहाँ पे उसको एक वेरिएबल में लिखने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे कि हम जो यहाँ पे दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल जो है एक अननोन को एलिमिनेट करेंगे। मतलब कैसे एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? पहले तो जो दोनों इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट उसमें हम कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। जैसे अगर आपको स्टूडेंट एक्स को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए, हिंदी में बोले तो एक्स का गुणांक आप सेम बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो ये मैम हम ये करेंगे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड में, जो दो इक्वेशन दी हुई है आपको दो वेरिएबल में, तो हम इक्वेशन को एक वेरिएबल में लिखने का ट्राई करेंगे, एक अननोन में लिखेंगे। कैसे हम एक ये जो अननोन है एक जो वेरिएबल शो नहीं हो रही है स्टूडेंट, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ मैं, अभी क्वेश्चन फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। ये मेथड में क्या करने वाले हैं एवरीवन ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में पता है, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन दिया है तो आपको पता है ये दो इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन को एक वेरिएबल में लिखने का ट्राई करेंगे। कैसे लिखने का ट्राई करेंगे कि एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब एक अननोन जो है उसको एलिमिनेट कर दे। आप चाहे तो एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए दोनों इक्वेशन से या वाई को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसे अभी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे मेथड का नाम है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। तो अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आज पूरे के लेक्चर में हम यहाँ पे क्वेश्चन यही मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जो इक्वेशन दिया हुआ है उनको लिखिए स्टूडेंट यहाँ पे, 4x + 3y = 25। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको एक नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते ना स्टूडेंट नेमिंग? मुझे लगता है जो मैंने लिखा अभी तक आपको दिखा नहीं है, एक बार मैं वापस से स्क्रीन बंद करके वापस से शेयर कर रही हूँ, रुकिए आपके साथ। एंड सब लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेथड का नाम है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दो अननोन में आपको इक्वेशन दिख रही है दो इक्वेशन, तो एक अननोन मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल बोल रहे हैं आप, यहाँ पे एक को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन में वो अननोन का कोएफिशिएंट सेम बना के, ठीक है। अगर सेम कोएफिशिएंट बन गया तो फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उनको सब्ट्रैक्ट करके तो फिर आपको एक वेरिएबल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट बताइए आपको दिख रहा है ना जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया एवरीवन? Yes, yes, मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखा है, पहले इक्वेशन आपको दी है 4x + 3y = 25, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको बोला है यहाँ पे इफ 4x + 3y = 25 and 5x + 2y = 26, तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक है। मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन को स्टूडेंट हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को यहाँ पे नाम दे देते हैं हम। देखिए
5x plus 2y is equal to 26, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए. स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत है, नाम दे सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे? ओके स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है. अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा लेट स्क्रीन दिखाई दे रहा है. अभी तक आपको यहाँ पे मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 1 ही दिखाई दे रही है. जो दूसरा वाला इक्वेशन था उसको भी मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे. ठीक है, एक सेकेंड में चेक कर लेते हैं. हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक बार वापिस से मैं स्क्रीन बंद करके वापिस से शेयर करती हूँ. वन सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पे एक बार वापिस से प्रेजेंट करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे. एक बार बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम. अभी देखिए, अभी बताइए फिर दिख रहे हैं ना? यस मैम. ठीक है तो स्टूडेंट, वेरी गुड. तो स्टूडेंट सब लोग को पता है हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई, या बोल सकते हैं दो अननोन है यहाँ पे एक्स और वाई. ठीक है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन निकालना है, कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे. तो हम मेथड कौन सा यूज करें स्टूडेंट? एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक अननोन जो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाने का ट्राई करेंगे. यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और 2 मैंने नाम दिया स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाने का ट्राई करें. आप लोग बताइए स्टूडेंट, एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाए कि y का? क्योंकि अगर आपको अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में. ठीक है, तो स्टूडेंट एग्री करेंगे आप लोग? बताइए x का कोएफिशिएंट सेम बना ले, आपकी मर्जी, दोनों से सेम आंसर आएगा. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या काम करते हैं, x को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं. तो इक्वेशन 1 में आपको पता है x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे 4, और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट दिख रहा है 5. तो एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और जो इक्वेशन 2 है स्टूडेंट उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से. ठीक है, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे हम पहले. ठीक है, तो एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग. यहाँ पे मुझे लग रहा है दिख रहा होगा सब लोग स्टूडेंट यहाँ पे, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को किससे? 5 से. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड इक्वेशन 2 को हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय 4 वी गेट. किसी को कोई डाउट है कि क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें स्टूडेंट क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है. तो कैसे हटाएंगे हम, वहां पे जो इक्वेशन दी हुई है दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट एक्स का यहाँ पे हम एलिमिनेट करने का सोच रहे, तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाने का सोच रहे. ठीक है, तो एक्स कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे कैसे? तो अगर मैंने पहले इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा? 20x. तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए क्या क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा 20x प्लस यहाँ पे 15y इज इक्वल टू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 125. किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम. वेरी गुड. तो इसको भी इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं स्टूडेंट आपके लिए, इक्वेशन 3. वेरी गुड. ठीक है, कुछ बच्चे स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी आंसर दे दिया, वेल डन. ठीक है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड की. तो यहाँ पे हम जो भी दो इक्वेशन दिख रही है दो वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन दो वेरिएबल में उसको रिड्यूस करके एक वेरिएबल में लिखने का ट्राई करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं. तो यहाँ पे एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन में वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन 1 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिला है? 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 125. अभी स्टूडेंट इक्वेशन 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8y. अभी कौन बताएगा मुझे 26 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ ऊपर, 6 4 24, 4 2 8, और 2 यहाँ पे करेंगे तो 10, 104 आ रहा है कि नहीं बताइए? यस मैम. वेरी गुड. इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दे स्टूडेंट. किसी को कोई दिक्कत है, दे सकते हैं नाम? यस मैम. वेरी गुड. अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए रितिका फिर से समझा दो. हाँ रितिका, तो रितिका हमने क्या किया है यहाँ पे, दो इक्वेशन दी हुई है हमें. ठीक है,
आपको बोला है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई यहाँ पे आपको पता है जो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल है, तो हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। इसमें करते क्या है, अभी आपको जो दिया था स्टार्टिंग में वो दो इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल में, दो अननोन है यहाँ पे एक्स और वाई। तो हम क्या करने का सोच रहे हैं, यहाँ पे हम जो इक्वेशन है उसको एक वेरिएबल में लिखने का सोच रहे हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे वो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में पहले तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो वेरिएबल वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, यहाँ पे वही हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन वन को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन टू को यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 में x का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है ना स्टूडेंट, बताइए। वेरी गुड। तो अभी अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, या तो आप बोल सकते हैं 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता है x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट सब लोग आप मेरे से पहले भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर मैच करते कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख दूं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखा रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग या ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मतलब घटाने पे बात कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे स्क्रीन पे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, कोई बताएगा, मैं वापस से पिछले वाला पेज दिखा देती हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है। आपको चाहिए तो वापस से लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। देखिए स्टूडेंट, हम अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से घटाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 20x कैंसिल हो जाएगा ना, एग्री कर रहे हो आप लोग। ये आपको चाहिए तो मैं वापस से लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट नीचे आपको चाहिए तो वापस से लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिए आपको मिल रहा था 20x प्लस यहाँ पे 15y था आपके पास, और यहाँ पे आपके पास था 125, और आप इसमें से क्या घटा रहे थे, ये वाला घटा रहे हैं 20x, यहाँ पे है आपके पास, फिर है आपके पास प्लस का 8y, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास, एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे कलर ओके माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो है आपको पता है इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, 20x एंड माइनस का 20x कैंसिल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, प्लस का 15y है, माइनस का 8y, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लस का 7y? यस मैम। वेरी गुड। प्लस का 7y किसके बराबर मिलेगा यहाँ पे, 125 माइनस 104। तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा, 125 में से अगर 104 अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 21 आएगा, एवरीवन? वेरी गुड। स्टूडेंट हमें क्या मिला है, 7y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी हो गई, 21/7, मतलब यहाँ से आप क्या बोल रहे स्टूडेंट, y की वैल्यू हो गई 3। पक्का ना स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे लगता है थोड़ा लेट दिख रहा है जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे। हाँ आई थिंक अभी दिख रहा है, एवरीवन दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई है 3। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई की वैल्यू 3 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या चाहे तो 3 और 4 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम चाहे तो अपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू तो आपको मिल गई है स्टूडेंट, समझ में आया, प्लीज बताइए। यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए हम क्या कर रहे हैं? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बता दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू हमारा कितना मिला था यहाँ पे, 3। आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में, आपकी मर्जी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा देख लेते हैं।
हमारा इक्वेशन वन है ऐसा, 4x plus 3y is equal to 25, ठीक है? तो हमें मिलेगा 4x plus 3y, y की वैल्यू है 3 और यहाँ पे कितना था 25। किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ पे? एक सेकंड, मुझे लगता है पुराना ही दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? आपका जो इक्वेशन वन है 4x plus 3y is equal to 25, वहां पे y की वैल्यू हमने कितना रखना है स्टूडेंट, 3 रखना है, ठीक है? एंड अभी सोल्व करके मुझे बताइए x की क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4x plus 9 किसके बराबर मिलेगा, 25 के बराबर। एंड यहाँ पे स्टूडेंट सबका आंसर मैं चेक करने वाली हूँ चेक सेक्शन में कि आप लोगों ने आंसर बताया है कि नहीं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये कैसा केस हो गया, आपको पता ना अभी इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो 9 है उसको आप राइट साइड में भेज सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x आपका हो गया किसके बराबर, 25 माइनस 9 के बराबर, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा लेट दिखाई दे रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए यहाँ पे। मुझे लगता है आप आगे सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो 4x आपका किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 16 के बराबर। और यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू की बात करें तो x हो जाएगा आपका 16/4, क्योंकि आपको हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है एक वेरिएबल में तो उसको सोल्व करने के 3 स्टेप हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है? पहले स्टेप में याद है स्टूडेंट एक्स वाले टर्म्स को, जो भी आपको अननोन है वो वाले टर्म्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे थे, बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे थे। फिर लास्ट में स्टूडेंट जहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट था उससे आपको क्या है इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड करना है अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट, 4। एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं, वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू 4 और आपको पता है वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया एंड वाई इज इक्वल टू 3, तो ये आप क्या बोलेंगे, एंड y is equal to 3. तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। मतलब ये क्या हो गया, x is equal to 4 and y is equal to 3. ये आपका सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का जो आपको क्वेश्चन में दी, ठीक है? किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। पक्का समझ में आया? अगर समझ में आया तो वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अभी इसी मेथड के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे करना है। लेकिन आंसर मेरे से पहले अगर चैट में चेक कर ले तो कितने बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने सबने आंसर सही दिया है, ठीक है? आई होप सबको समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए। वेरी गुड, वेल डन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको भी हम जो मेथड हम सीख रहे उसी से अप्लाई करके सोल्व करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर कुछ मेंशन नहीं किया सिर्फ बोलेंगे सोल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी मर्जी रहती है कि कौन से मेथड से करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम यहाँ पे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है? समझ में आया? Yes, ma'am. तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे तो इसको भी सोल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो जो दो इक्वेशन दी हुई है आप उनको कुछ नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1, 2 ऐसा नाम दे दीजिए ताकि हमें इजी हो, ठीक है? तो पहले जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमें। मुझे लगता है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लेट आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा। दो इक्वेशन दी है, पहली है 3a plus 2b किसके बराबर दी है, 19 के बराबर। आप चाहे तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, नाम दे रहे हैं हम, ठीक है? दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ पे 4a plus 3b आपको दिया है 27 के बराबर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको जो मैं बोल रही हूँ, 1 सेकेंड वापिस से चेक करती हूँ क्या दिक्कत है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ अभी दिख रहा होगा। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा अभी मुझे बताइए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्स को एलिमिनेट किया था, अभी आपकी मर्जी है। देखो दो इक्वेशन होगी हमारे पास दी हुई है, हमें इनको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए और बी की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? तो स्टूडेंट आप लोग डिसाइड करेंगे किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, ए को एलिमिनेट करना चाहते हैं या बी को। एक को एलिमिनेट करना चाहेंगे
तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपकी मर्जी स्टूडेंट। क्योंकि आप जो जैसे सोल्व, अगर आप बी का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, फिर वहां से बी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए मैं ए का कोएफिशिएंट सेम बना के दिखाऊं तो ए वाला कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप करना चाहे, लेकिन सेम आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम ए का कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन को हमें फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन जो टू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, फोर से, एंड इक्वेशन टू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से, एंड इक्वेशन टू बाय थ्री वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा वो हम नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट? सबको समझ में आया? यस मैम, यस ओके, वेरी गुड। मैं चैट में भी पढ़ लेती हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ए को एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए हमें पहले ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट फोर से, एंड इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से थ्री से, ठीक है। तो क्या मिलेगा लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12a, ठीक है, इक्वेशन वन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर से, तो यहाँ पे 12a प्लस 8b, अभी कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, चैट सेक्शन में बताइए। 19 4 जा आता है सबको टेबल 76। वेरी गुड स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 3, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट स्क्रीन पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हाँ बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टेबल आती है 19 की, 19 फोर जा 76 आप बता रहे, वेल डन। एंड जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं वो प्लीज यहाँ पे मेरे से पहले सोल्व करके आप चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। सो हमने इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किया है फोर से, जो मिला है उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है, इक्वेशन टू को अभी हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे 12a प्लस, यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल रहा है 3 3 9, यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का 9b, और यहाँ पे देखिए 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे मिलता है 81। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में? तो स्टूडेंट अभी बताइए, इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थ्री सब्ट्रैक्ट कर दे, या इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन फोर करना है तो भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख देती हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मतलब घटाने पे बात कर रहे हिंदी में स्टूडेंट, यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर वी गेट, क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं या स्टूडेंट वापस से लिख के दिखाऊं आपके लिए? समझ में आ गया? ओके, एक बार मैं लिख के दिखा देती हूं आपको ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इक्वेशन फोर में से हम इक्वेशन, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फोर लिखते हैं, वी गेट देखिए 12a प्लस 9b ऊपर लिखेंगे इज इक्वल टू 81, और इसमें से हम क्या घटा रहे हैं 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 76, ठीक है स्टूडेंट, नीचे लिख के दिखाया आपके लिए, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे अभी, क्योंकि नीचे वाला जो है आपका इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन 4 में से, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस माइनस, और अभी कितने बच्चे बताएंगे 12a और माइनस का 12a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, एक बार चेक कर, आप देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन 3 और 4 दिख रहा है ना स्टूडेंट, आपकी मर्जी, अभी आप चाहे तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या कुछ बच्चे करेंगे कि यहाँ पे 4 को यहाँ पे 3 में से सब्ट्रैक्ट, लेकिन सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, मतलब इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एवरीवन, तो यहाँ पे 12a और माइनस का 12a कैंसिल हो जाएगा, मैं रेड पेन से करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, अभी जो बाकी बचेगा उसको सिंप्लीफाई करके रखना है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं?
कुछ अलग आ रहा है आपका? वेरी गुड. तो स्टूडेंट यहाँ पे बी की वैल्यू हमें मिली है 5. तो अभी क्या करेंगे, बी की वैल्यू 5 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग बी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में कर दो. स्टूडेंट यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? सब इन इक्वेशन 1 बी गेट. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक भी वैल्यू निकालनी है अभी. तो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में आपको दिया है 3a प्लस 2b दिया है 19 के बराबर. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस 2b, b की वैल्यू है 5, ये दिया है 19 के बराबर. अभी सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको, 3a प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 10, किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 19 के बराबर. एवरीवन, सब लोग मेरे साथ है ना, सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए. अभी देखते हैं स्टूडेंट, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया है, एक अननोन में हो गया. तो ये हो गया आपका 3a बराबर हो गया है 19 माइनस 10. तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3a मिल जाएगा 9 के बराबर, और यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 9/3 के बराबर. और आपको पता है 9/3 मतलब 3 1 3 3 3 3. तो यहाँ से नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख देती हूँ मैं. यहाँ पे आपको मिल रही है a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3, और b की वैल्यू आपको कितनी मिली थी स्टूडेंट, 5. किसी को डाउट है? यस मैम. वेरी गुड. नो मैम. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5. क्या है ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है. a इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और b इज इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वेशन को एक साथ में सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है, तो ये मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? वेल डन स्टूडेंट, यहाँ पे सबका आंसर सेम आया, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5. वेल डन, एक्सीलेंट. मतलब यहाँ पे आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा. ठीक है, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट, अभी इसी मेथड पे और क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखिए वन सेकेंड यहाँ पे क्या आ रहा है. देखिए ये आपको दिख गया है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे. तो इसको भी हम सेम मेथड से अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको. तो स्टूडेंट ये मेरे बुक से क्वेश्चन लिया है. यहाँ पे बोला है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/x + 3/y इज इक्वल टू 2 एंड 3/x + 4/y इज इक्वल टू 20. आप बोलेंगे मैम ये कैसे करें, बहुत इजी है स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे x और y की ही वैल्यू निकाले जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, लेकिन डायरेक्टली करने की वजह कैसे करेंगे इसको, देखिए जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको दिया है क्या क्या, 2/x. एक सेकेंड में लिखती हूँ यहाँ पे. सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2/x प्लस यहाँ पे दिया है 3/y. किसके बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको 2 के बराबर दिया हुआ है. एंड 3/x प्लस आपको दिया है 4/y दिया है 20 के बराबर. ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x और y की वो वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. किसी को कोई डाउट है? और चार ऑप्शन भी दिए हैं, हमें मैच करेंगे कि हमारा आंसर चार है. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली करने की बजाय अगर आप नोटिस करेंगे, आपको देखिए 2/x दिख रहा है प्लस 3/y. तो एक काम कर सकते स्टूडेंट यहाँ पे, आप चाहे तो 1/x को कुछ अलग नाम दे दीजिए. जैसे 1/x को आप a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए. तो फिर क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन a और b में मिल जाएगी. समझ में आ रहे हैं एवरीवन? यस मैम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 1/x है उसको a मान लेते हैं. आपके लिए आप चाहे तो कैपिटल x मान लीजिए, 1/y को आप चाहे तो कैपिटल y मान लीजिए, आपकी मर्जी है. लेकिन उससे क्या हो जाएगा, हमें सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पे ले ले हम, लेट 1/x इसको कुछ a मान ले स्टूडेंट. किसी को कोई दिक्कत है, आप चाहे तो कुछ और भी नाम ले सकते हैं, u ले सकते हैं, v ले सकते हैं. तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 1/x को क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे 1/y को क्या ले लेते हैं, हम b मान लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, अगर हमने 1/x को a माना है, 1/y को माना है b. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर कौन बताएगा स्टूडेंट, देख लीजिए, 2
अपॉन एक्स है ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, 2a के बराबर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? तो स्टूडेंट 1/x को हमने a माना है, तो पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा 2a + 3b = 2। ओके मैं लिख देती हूँ 2a + 3b = 2। किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्यों किया ऐसा? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में आपको पता है x और y डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 1/x को a मान लिया हमने, 1/y को मान लिया b। ठीक है, ताकि सोल्व करने में कुछ भी हमें दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने ऐसा किया। स्टूडेंट दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास? दूसरा बन जाएगा यहाँ पे 3a + देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं +4b हो जाएगा आपका किसके बराबर, 20 के। किसी को डाउट है बताइए, इसको हम बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट समझ में आया? यस मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अगर आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी है, ए और बी की जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पे रख देंगे, तो वहां से यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सब लोग सोल्व कीजिए, मैं भी यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, ए को एलिमिनेट करना चाहेंगे कि बी को? ए को मैम, ए को। देखते हैं मेजोरिटी स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए को। अच्छा आपकी मर्जी, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ए को एलिमिनेट करना है तो ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को स्टूडेंट 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। किसी को डाउट आ रहा है स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यस यस, ऑन इक्वेशन। ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन जो 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। ठीक है, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय यहाँ पे हम कर रहे हैं 2। किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए, किसी ने हैंड रेज किया है, अप्सरा ने हैंड रेज किया शायद से, प्लीज बताइए। आंसर आ गया। अच्छा नहीं समझ में आया, आंसर आ गया आपका? अच्छा एक बार वापस से बोलिए मुझे। वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी गुड। तो आप चैट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं सबका पढ़ने वाली हूँ, देखते हैं कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 6a + यहाँ पे 9b आपको मिल जाएगा 3 × 2 = 6 के बराबर। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अभी देखिए इक्वेशन 2 को अगर 2 से गुणा किया है तो यहाँ पे मिल जाएगा 6a + यहाँ पे हो गया 8b और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 40। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अभी क्या करें बताइए स्टूडेंट, आपकी मर्जी है, या तो इक्वेशन 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लो या इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 में से क्या मिलेगा। एवरीवन, किसी को डाउट है तो बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहे हैं ना कि नहीं? यस मैम, यस मैम, कोई आवाज ही नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट, हमने अभी क्या किया था, इक्वेशन 1 को 3 से गुणा किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो हमने उनको नाम दे दिया है इक्वेशन 3 और 4। अभी हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या मिलेगा वी गेट। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप आपसे ही, तो मैं वापस से भी लिख देती हूँ ताकि जो बच्चों को यहाँ पे डाउट है वो डाउट ना आए। 6a + 8b है, ये हो गया आपका बराबर 40 के, और नीचे हम लिखेंगे 6a + 9b। सही लिखा है कि नहीं स्टूडेंट बताइए, मैंने जो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है, कुछ मिस्टेक है तो बताइए यहाँ पे, सही है ना? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है 6a और यहाँ पे प्लस 9b है और यहाँ पे आपको दिया है 6 के। हमने क्या किया, ऐसा किया है, हमने इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 4 में से। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन चेंज करके दिखा देते, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अभी आप अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो स्टूडेंट 6a और माइनस का 6a कैंसिल होके ये दोनों आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। अभी 8b एंड माइनस का 9b है, तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, माइनस का भी मिलेगा यहाँ पे। एवरीवन, यस मैम, माइनस का भी किसके बराबर मिलेगा,
40 माइनस 6, ठीक है, 40 में से अगर आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट कितना आता है? 34. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो मतलब यहाँ से माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी 34 मिली है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई? -34. वेरी गुड, तो बी की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे -34. स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, बी की वैल्यू -34 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में, 2 में या 3, 4 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे. तो हम चाहेंगे इक्वेशन इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है. सो ऑन सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग बी इज इक्वल टू -34 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या मिलेगा? वी गेट, स्टूडेंट बताइए क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए. तो इक्वेशन 1 में अगर हमने बी की वैल्यू -34 सब्स्टिट्यूट करी है तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2a. ओके, लिख देते हैं यहाँ पे आपको. ओके, यहाँ पे पेज नहीं है, एक पेज मुझे ऐड करना पड़ेगा, वन सेकेंड, एक पेज यहाँ पे मैं ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. एवरीवन समझ में आया कि नहीं, हमें क्या करना है यहाँ पे, बी की वैल्यू -34 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अभी क्या मिलेगा वो लिखना है आपको. तो आपको मिलेगा 2a, तो क्या आपको मिलेगा 2a प्लस 3b. बी की वैल्यू आपने बताया -34 आपकी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, इज इक्वल टू 2 के बराबर. तो ये हो गया इक्वल टू 2. स्टूडेंट अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2a, और यहाँ पे बताइए स्टूडेंट 3 को अगर -34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 3 4 12, 3 3 9, तो ये हो गया आपका, देखिए माइनस का 102. एवरीवन माइनस का 102 और यहाँ पे इक्वल टू 2 मिल रहा है यहाँ पे. एंड प्लीज यहाँ पे सोल्व करके बताइए क्या आ रहा है आप लोगों को. तो यहाँ पे मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज 2a आपको मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 102, क्योंकि 102 जो है अगर ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस साइन. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है 2a किसके बराबर मिल रहा है, 104 के बराबर, 104 104 के बराबर. यस मैम, वेरी गुड स्टूडेंट. यहाँ से a की वैल्यू बताइए क्या कैसे मिलेगी, जो a का कोएफिशिएंट है 2 से इक्वेशन को दोनों साइड को आपको भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 104/2, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बताइए 52. वेरी गुड, तो a की वैल्यू आपको मिल रही है 52 और b की वैल्यू कुछ आई थिंक आपको -34 आ रही थी, लेकिन स्टूडेंट हमारा a और b नहीं पूछा है उन्होंने, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, x और y की वैल्यू पूछी है, ठीक है. तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, हमने माना है a क्या है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 1/x है और b आपका क्या है 1/y. तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल जाएगी बताइए. Yes, ma'am. लेकिन yes, हमारा ma'am. जो ऑप्शन है ऑप्शन से मैं एक बार चेक कीजिए जो हमने लिखा है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी लिखते वक्त, सही लिखा है ना, क्योंकि जो ऑप्शन है उससे मैच भी तो होना चाहिए हमारा. अच्छा एक यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं a का वैल्यू 52 है, b का वैल्यू कुछ अलग बता रहे हैं. स्टूडेंट हमने एक बार चेक कर लेते, हो सकता है कुछ लिखते वक्त मिस्टेक कर दी हो. 2/x + 3/y हमने 2 लिया है, ठीक है, और हमने 3/x + 4/y है 20 के बराबर करेक्ट लिखा है. हमने माना है 1/x को a एंड 1/y को b. तो हमारा पहले वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है. दूसरा वाला देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3a प्लस 4b मिलेगा 20 के. एक बार चेक कर लेते हैं, 3a प्लस 4b 20 के बराबर. स्टूडेंट यहाँ पे किसी को लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हमने? नो मैम, पक्का ना सही किया है ना हमने. हो सकता है क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो इसकी वजह से हमारा आंसर मैच ना हो, लेकिन एक बार चेक कर लेते अपना कैलकुलेशन भी. हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ पे मिला 6a प्लस 8b बराबर 43. हमने सही लिखा है यहाँ पे, कुछ भी हमने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करी है. तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू मिला है -34. अच्छा कुछ बच्चे अच्छा यहाँ पे शिवांश आपका जो आंसर आ रहा है 1/4 -1/2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है आपको, यहाँ पे चैट में बता सकते हो स्टूडेंट. एवरीवन सही है ना? यस मैम. ओके ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है ना, कई बार रहता है, लेकिन हमने अपना चेक करना है हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है स्टूडेंट, तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. तो निकालिए यहाँ पे एवरीवन.
किसी को डाउट है, कोई बोलना चाह रहे तो स्टूडेंट प्लीज बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम कुछ मिस्टेक हो गया है लिखते वक्त तो वो भी बता सकते हैं आप। एवरी वन स्टूडेंट सही है ना कैलकुलेशन अपना? वेरी गुड। ठीक है, तो हमें पता था अभी 1/x हमारा a के बराबर था एंड हमें पता था 1/y हमने b के बराबर माना है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1/x आपका हो जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू जो आपको मिली है यहाँ पे 52। ठीक है, और यहाँ पे 1/y आपका हो जाएगा b के बराबर, जो b हमारा मिला है यहाँ पे आंसर में -34। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, चेक करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन जो ऐसा मैंने बुक से लिया है, हो सकता है उसमें कुछ टाइपिंग एरर हो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एक जीके 20 लिखा था, एक जीके 2 लिखा था, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, वो एक बार चेक करेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर है हम चेक करते हैं हमारा क्या आता है स्टूडेंट। तो यहाँ से बताइए क्या होगा, 1/x अगर आपका 52 के बराबर है स्टूडेंट, तो एक तो तरीके है आपको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिलेगी स्टूडेंट, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू मिलेगी 1/52 के बराबर। ठीक है, कैसे करते हैं आपका अगर 1/x है 52 के बराबर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप ऐसा लिखेंगे ना, आपका 1 हो जाएगा 52x, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/52। ठीक है, प्लीज बताइए एवरीवन। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखा है, एंड यहाँ पे आंसर चेक कीजिए स्टूडेंट हमारा कैलकुलेशन सही है, कुछ मिस्टेक होता तो आप लोग बताते यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 1/52 आई है, और यहाँ से वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है स्टूडेंट, -34 लिख दीजिए या 1/-34 लिख दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर आया है, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उससे किसी से मैच नहीं हुआ, लेकिन हमारा कैलकुलेशन सही है तो हमारा आंसर सही है, कई बार क्वेश्चन में एरर भी हो सकता है। ठीक है एवरीवन, प्लीज समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन चेक कीजिए हमारा आंसर यहाँ पे, ऐसे कुछ बच्चे यहाँ डी ऑप्शन बता रहे थे, लेकिन स्टूडेंट आपका डी और इसमें देखिए बहुत फर्क है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देख के आपको पता है यहाँ पे 20 दिख रहा था देखिए, और यहाँ पे 2, तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हमारा आंसर आया, वो हमारा आंसर आपने पता है, कैलकुलेशन हमारा सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जो लिखा था वो लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा फाइनल आंसर ये आया जो ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन में रोक दिया हुआ है। ठीक है एवरीवन, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसी टाइप के और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं कौन से हम क्लास में डिस्कस करते हैं अभी। एवरीवन, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, सब लोग यहाँ पे सोल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए एवरीवन, मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ। ठीक है, पूरा सोल्व आपको पता है कैसे करते हैं, दो इक्वेशन दी हुई है आपको, बोला है सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस, तो ये दोनों इक्वेशन का आपको कॉमन जो सॉल्यूशन है, मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो सब लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखाने वाली, पूरा सॉल्यूशन मैं भेजूंगी आपको यहाँ पे नोट्स पे, बट अभी के लिए आपको आंसर करना है। एवरीवन यस मैम, बताइए यहाँ पे क्या होगा, मैं वेरीफाई करती हूँ। अरे सबको स्टूडेंट, सबको पता है ना वेरीफाई कैसे करते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, जो आपका वैल्यू आया ना वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर ये क्या आया, हमारा रॉन्ग तो नहीं है, तो एक काम कर सकते हो आप, जो स्टूडेंट जो इक्वेशन दी हुई है ना उसमें आप क्या है सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, जैसे हमारा ये आंसर आया, और क्वेश्चन का एक देखिए क्या क्या था यहाँ पे, मैं करके दिखा देती हूँ आपको वेरीफाई। 2/x + 3/y किसके बराबर था, 2 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना आपको सबको? यस मैम। यहाँ पे देखो आपकी जो ए की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। अगर हमारे आंसर में कुछ मिस्टेक होगी तो अपने को अभी पता चल जाएगा कि हमने जो निकाला है वो अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब डेफिनेटली हमारा आंसर में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको बोला आपको करने के लिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है एवरीवन, देखिए ये हमारा आया था, हमने सोल्व किया उसके बाद ये आया था। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हाँ तो यहाँ पे हमें ये मिला था, ओके कहा गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था, 2/x + 3/y दिया था 2 के बराबर, और यहाँ पे 3/x + 4/y 20 के बराबर दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आया सोल्व करके उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, यहाँ पे अपना कुछ ऐसा था 2/x + 3/y ये दिया था 2 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट,
तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2/52 प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एवरी वन कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ओके यहाँ पे मेरा मिस्टेक है क्योंकि 1/x की वैल्यू 52 है. वन सेकेंड बताइए श्रेन, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था, आप कैसे चेक करेंगे कि जो हमें वैल्यू मिली है वो इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं? तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे जो 1/x की वैल्यू आपको 52 है, 1/y की वैल्यू है -34. ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूँ तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2/x है ना, तो 1/x की वैल्यू आपको पता है 52 है आपकी, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3/y है, तो 3 × 1/y, 1/y की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे -34. चेक कर लीजिए यहाँ पे एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं अलग से रेड पेन से दिखाती हूँ आपको, ये वाला लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिए लिखा रही हूँ. यहाँ पे 52 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपको 104 आ रहा था, बताइए. ठीक है मैम. यस मैम. और यहाँ पे देखिए माइनस का 34 को अगर 3 से गुणा करोगे कितना आता है स्टूडेंट? यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आपको माइनस का 102 मिलेगा. सो 104 में से अगर आप 102 घटाएंगे, 104 माइनस 102 आपका आता है 2, जो राइट हैंड साइड के बराबर है. मतलब हमारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उनमें मिस्टेक है. समझ में आया एवरीवन? यस मैम. एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, नितिका. नितिका कुछ बोलना चाह रहे हैं? नितिका बताइए. मैम आंसर आ गया. मैम आ गया, वेरी गुड. तो स्टूडेंट ये वाला इरेज कर रही मैं, आप चाहे तो सेम यही वाला जो आपको x और y की वैल्यू मिली है वो इक्वेशन 2 में भी चेक करके देख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब हमारा आंसर सही है, हमारे आंसर में कुछ मिस्टेक नहीं है. ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ है यहाँ पे. ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ. ओके, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो मैं इरेज करती हूँ. जिसका आंसर आ गया स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको खुद से सोल्व करने में, सोल्व नहीं करा रही यहाँ पे. क्या आंसर आया है? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, या कुछ बच्चे बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1. चेक करके देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे. एवरीवन चैट सेक्शन में बताइए अगर आपने सोल्व किया है, नहीं तो मैं शॉर्ट में आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे आएगा स्टूडेंट. यहाँ पे देखो 2x plus 3y is equal to 8 है, 3x plus 2y is equal to 7 है. ठीक है स्टूडेंट, पहली वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने क्या 3 से गुणा कर दिया. देखिए मैं शॉर्ट में करके दिखा दूं आपको, पूरा सोल्व में बाद में करके दिखाऊंगी आपको. एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, पूरे लिखने में टाइम जाएगा, लेकिन शॉर्ट तो मैं आपको बता सकती हूँ शॉर्टकट यहाँ पे. तो पहले इक्वेशन को सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिलेगा 6x प्लस यहाँ पे 9y किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर. ठीक है, दूसरा इक्वेशन को स्टूडेंट आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 4y मिल जाएगा यहाँ पे 14 के बराबर. जो मैं लिख रही हूँ वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वन सेकेंड स्क्रीन शेयरिंग वापिस से मैं कर रही हूँ. वन सेकेंड स्टूडेंट, आपका आंसर वेरीफाई कर लेते क्या आता है, डोंट वरी, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में लिख के भेजने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए जस्ट वेरीफाई. ठीक है स्टूडेंट, पहले इक्वेशन को क्या करेंगे आप 3 से गुणा कर रहे हो, दूसरे इक्वेशन को आपने 2 से गुणा किया, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि x को एलिमिनेट कर दूं. आपकी मर्जी है आपको x को एलिमिनेट करना चाहिए या y को एलिमिनेट करना चाहिए. तो अगर आपको x को एलिमिनेट करना है स्टूडेंट तो x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा गिवन इक्वेशन में. ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट ये मिला, अभी मैं दूसरी इक्वेशन को पहले वाले में से सबट्रैक्ट कर दूं. ठीक है, देखिए आपके लिए मैं करके दिखा रही हूँ, शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ यहाँ पे. तो आपको पता है 6x और माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y और यहाँ पे नीचे कितना है माइनस का 4y. स्टूडेंट ये कितना मिलेगा आपके पास? 5y. और यहाँ पे देखिए 10 मिल जाएगा 10. तो y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 2 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू मिलनी चाहिए. यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, सो 2x प्लस यहाँ पे 3 × 2 8 के बराबर हो गया. यहाँ पे पहली इक्वेशन में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस 6 मिल गया 8 के बराबर, और यहाँ से आपको मिलेगा स्टूडेंट 2x मिल जाएगा 8 माइनस 6, मतलब यहाँ से 2x आपको मिलेगा 2 के बराबर. स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो दिख नहीं रहा है आपको, डेफिनेटली यहाँ पे मैं स्क्रीन वापस से शेयर करती हूँ, और x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1. एक सेकेंड स्टूडेंट, तो जिन बच्चों का यहाँ पे आंसर आया है एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ. यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे यही आंसर आ रहे हैं. ठीक है, आप लोग चेक कीजिए, y की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के दिखाया शॉर्ट में, लेकिन पूरा डिटेल में भी लिख के मैं आपको भेजने वाली हूँ. किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? सब कर सकते हैं ना ये? yes, 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 yes.
वेरी गुड स्टूडेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो ये आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वो भी आपको सेम ऐसे ही करना है, तो ये वाला मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ. ठीक है, सेम स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, जैसा आपने क्वेश्चन अभी किया था पीछे, वैसे ही हमें कुछ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो इक्वेशन दी है. ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है सोल्व करना है, मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालने, लेकिन डायरेक्टली निकालना जाएंगे स्टूडेंट तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोले कि मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप बोलेंगे ना ऐसा. तो स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए, सेम पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, दो इक्वेशन दी है सबको एवरीवन. तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर ले हम, कुछ 1/a + b को हम कुछ मान ले यहाँ पे, जैसे x मान लीजिए. यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या करेंगे मैं, ओके. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, आगे का आपको सोल्व करना है. आप यहाँ पे क्या मान लेंगे स्टूडेंट, आप ले लेते हैं 1/a + b को कुछ मान लीजिए x, जैसे मैंने x मान लिया. ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दी हुई है ए और बी में, लेकिन डायरेक्टली सोल्व करना जाएंगे तो आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, आप बोलेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, 1/a + b को मान लिया, कुछ अलग वेरिएबल x मान लिया. ठीक है, दूसरा किसको मानेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे a - b आपको दिख रहा है दोनों ही इक्वेशन में, दिख रहे हैं ना एवरीवन. तो a - b को मान लीजिए यहाँ पे y. ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे स्क्रीन वापिस से शेयर करके आपको दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड स्टूडेंट. यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रही उनके लिए मैं वापिस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, आप अभी दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन कुछ कैसा बन जाएगा स्टूडेंट. देखिए पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा 11x + यहाँ पे हो जाएगा 2y 11 के बराबर. ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा अभी 22x + 3y = 17 के बराबर. आगे तो सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करने के लिए बोला है, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो मैंने आपको हिंट बता दिया है कि आप ऐसा करेंगे, फिर आगे तो नॉर्मल मेथड जैसे हम कर रहे थे. देखिए अभी जो मिला है 11x + 2y = 11, दूसरा है 22x + 3y = 17. तो स्टूडेंट अभी पहले जो ये वाली इक्वेशन है, इसको आप किससे 2 से गुणा कर देंगे, तो 22x + 4y हो जाएगा आपका 22 के बराबर. ठीक है, तो आपको पता है x वाला टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं हम यहाँ पे. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम. ठीक है, तो ये कर सकते हैं. वेरी गुड. तो स्टूडेंट ये सोल्व आपको करना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे मेथड बताया आपको, आगे आप इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको भेजने वाली हूँ, लेकिन सबको समझ में आया ना कि कैसे करेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन में कैसा कुछ दिख रहा है आपको टर्म, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन भी किया थोड़ा सा. ठीक है, हमने 1/a + b को मान लिया है एक्स, आप चाहे तो यहाँ पे एक्स की जगह कुछ दूसरा यूवी जो भी आपको इजी लगे वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने क्या किया है, a - b जो है आपको पता पहले इक्वेशन में भी दिख रही है, दूसरे इक्वेशन में भी दिख रही है, तो a - b को हमने दूसरा वेरिएबल मान लिया है वाई. अभी हमारा इक्वेशन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है. ठीक है, अभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट. एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फिर वहां से आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. तो ये क्वेश्चन आप लोग लीजिए, सॉल्यूशन में भेजने वाली आपको, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है आपको दिया है. इफ 1/x + y दिया है 1/2 के बराबर, एंड 1/x - y दिया है 1/3 के बराबर, तो x और y की वैल्यू बताना है. बताइए स्टूडेंट एकदम इजी है कि नहीं? कुछ बच्चे डर रहे हैं. स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सबको? यस मैम. देखो पहला वाला इक्वेशन क्या दिया आपको, 1/x + y दिया है किसके बराबर, 1/2 के बराबर. ठीक है, 1/x + y दिया है 1/2 के बराबर, फिर नहीं दिख रहा है स्क्रीन आपको, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट आप. तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप बता सकते हैं आपका x प्लस वाई हो जाएगा 2 के बराबर. ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, बार बार ये दिक्कत आ रही है स्टूडेंट, सॉरी उसके लिए. ओके, अभी दिख रहा होगा. ठीक है, मैं सिर्फ आपको हिंट बता रही हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है. एक बार बताइए क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ना सबको?
यहाँ पे देखिए आपको दिया है 1 अपॉन x प्लस y किसके बराबर दिया है 1 अपॉन 2। तो यहाँ से सब लोग बता सकते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 बराबर हो जाएगा x प्लस y के, मतलब x प्लस y हो गया 2 के बराबर। ठीक है, वैसे स्टूडेंट दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं, आपको दिया है 1 अपॉन x माइनस y दिया है 1 अपॉन 3 के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप यहाँ से बता सकते हैं x माइनस y है 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अभी तक भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन को 1 सेकेंड यहाँ पे दिखना तो चाहिए स्क्रीन, एक बार चेक करते हैं, अभी दिख रहा है एवरीवन, देखिए जो मैंने लिखा है इसको सोल्व करना इजी है कि नहीं, देखिए आपको देखिए जो इक्वेशन मिल रही है ना x प्लस y इज इक्वल टू 2 के बराबर मिल रही है, x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, y एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि y और माइनस y ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ, y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 2x आपको मिलेगा किसके बराबर स्टूडेंट 5 के बराबर। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो 2x अगर 5 के बराबर हुआ तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। यस मैम। अगर x की वैल्यू 5/2 आई तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5/2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी आपकी कैसे, 5/2 प्लस y हो जाएगा 2 के बराबर, और यहाँ से आप y की वैल्यू बताएंगे 2 - 5/2। ठीक है, अब एलसीएम लेना सबको आता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे है 2 - 5/2, ये y आप बता रहे हैं, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे अभी दिख ही नहीं रहा है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, बार बार यहाँ पे स्क्रीन का दिक्कत आ रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए स्टूडेंट यहाँ पे, एंड मुझे लगता है आपको सबको समझ में आया होगा कि हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन की, तो वहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो हमने अच्छे से किए हैं, बाकी का मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है एलसीएम ऐसे लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर का 2 आएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 × 4 और यहाँ पे -5, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल रही है -1/2। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप कर पाएंगे ना, बताइए पहले वाले मेथड से? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज अभी होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, प्लीज ट्राई कीजिए, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो हमने एक मेथड सीखा है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है उससे भी हम करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हमने स्पेशली सीखा है, अगर आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन निकालिए, तो हम एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर के बाद आपको अगर कोई भी बोले कि 2 इक्वेशन दी हुई है, आपको कैंसिलेशन यहाँ पे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड करना है अप्लाई, तो आप कर पाएंगे? एवरीवन बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ बंद। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ।